हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैबुनिसा शेख, आप सभी का इस्तकबाल है। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है टेट एग्जाम से रिलेटेड, CGPA सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्लूड लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। मतलब जो आप लर्निंग कर रहे हो उसमें कौन से फैक्टर मतलब इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट वन है इमोशनल, सेकेंड है नेचुरल कंटेंट, थर्ड है मैचुरेशन और फोर्थ है इंटरेस्ट। तो चारों में से कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी के चारों भी फैक्टर जो है लर्निंग में इन्वॉल्व है। किस तरह, तो देखिए चारों फैक्टर के अलावा यहाँ पर और भी फैक्टर्स दिए गए हैं। फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग है ना, फर्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब बच्चा किस इन्वायरमेंट में, किस तरह के माहौल में वो सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। जितना अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा उतनी अच्छी उसकी लर्निंग होगी। अब अगर वो स्कूल में सीख रहा है तो स्कूल का इन्वायरमेंट डिपेंड करता है उसकी लर्निंग पर। अगर वो घर में सीख रहा है तो घर का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल फैक्टर जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड है कि बच्चे की जो ज़हानत है, जो बुद्धि है, वो किस प्रकार की है, किस टाइप की है ना, किस लेवल की है। जितना ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल की होगी, ज़्यादा मतलब वो शार्प माइंड का होगा तो उतना जो है वो तेज़ी से सीख सकता है। नेक्स्ट है लर्निंग फैक्टर में जो है उसके टीचर आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, जिनसे भी वो लर्निंग कर रहा है, अचीव कर रहा है, तो वो लर्निंग फैक्टर है कि कौन कितने अच्छे से उसे सिखा सकता है या किसका उसे ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से वो सीख सकता है, तो ये भी जो है लर्निंग पर इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है फिज़िकल फैक्टर में जो है उसकी फिज़िकल हेल्थ है, बॉडी हेल्थ है, कि अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी, फिज़िकल हेल्थ, तो उतना वो अच्छी तरह से सीख सकता है। अगर उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो उतनी अच्छी तरह से जो है लर्निंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मेंटल फैक्टर। अब मेंटल फैक्टर भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। जितनी अच्छी उसकी मेंटल एबिलिटी रहेगी या मेंटल हेल्थ रहेगी, उतनी अच्छी तरह से वो लर्निंग करेगा, सीखेगा। नेक्स्ट है इमोशनल एंड सोशल फैक्टर। अब इमोशनल फैक्टर में भी मतलब उसे किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो उसे उतनी अच्छी तरह से, उतनी स्पीड से जो है अचीव करेगा, है ना। सोशल फैक्टर में भी जो है टीचर्स, पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स वगैरह जो है सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं, जिनसे वो सीखता है। नेक्स्ट है टीचर पर्सनैलिटी। उसके जो है लर्निंग पर टीचर पर्सनैलिटी भी काफ़ी इफ़ेक्टफुल होती है कि टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है ना। जितनी सिंपल पर्सनैलिटी रहेगी तो वो उतना जो है लर्निंग पर जो है उसके इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है किस तरह से उसके लर्निंग पर इफ़ेक्ट करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।